सबसे बड़ा मुद्दा जो था पिछले बार वो बेरोजगारी का था, लाठी नहीं रोजगार देंगे ये कहा था वसुंधरा ने और ये कह के वो सत्ता में आई थी, लेकिन फिर भी आप बेरोजगारी के फ्रंट पर कुछ नहीं कर पाए। 15 लाख नौकरियां देने की आपने कोशिश की लेकिन पहुंच पाए 41,000। नहीं नहीं ऐसा सच नहीं है, ये तो आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देने का वादा नहीं है, वादा हमेशा बहुत ज्यादा रोजगार तैयार करने का है और बहुत ज्यादा रोजगार हो गया। अब अगर इसमें हमारे मुद्रा योजना में यहां अगर 50 लाख युवाओं को और महिलाओं को कर्जा मिला है तो उसमें कम से कम 25 लाख तो नए पहली दफा उद्योग बनाए हैं, बाकी लोगों ने अपना उद्योग का विस्तार किया लेकिन वहां रोजगार पैदा हुआ। दूसरे बात, जो मनरेगा था वहां भी बढ़ गया। अगर हम 7 किलोमीटर रोड पहले बनते थे कांग्रेस के जमाने में, आज 28 किलोमीटर गडकरी बना रहे तो वहां भी रोजगार ही बढ़ता है। अगर 9 करोड़ टॉयलेट बनते हैं तो उसमें भी रोजगार बढ़ता है। अगर 1 करोड़ घर देश भर में पैदा होते हैं और यहां 13 लाख होते हैं तो उसके लिए भी रोजगार बढ़ते ही है। और रोजगार आईटी में बढ़े, इंडस्ट्री में बढ़े, हब में बढ़े और सभी सेवा क्षेत्र में बढ़े। और पिछले 4 साल में जितने सरकार से निवृत्त हुए लोग उसका भी भर्ती हुआ तो वो भी लाखों की तादाद में संख्या है। तो ऐसा नहीं कि रोजगार पैदा नहीं हुए, लेकिन लोग केवल सरकारी नौकरी को पकड़ेंगे तो वो फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन सभी रोजगार पकड़ेंगे तो वो बहुत ही आश्वासन से बहुत ज्यादा हुआ है ये मैं कह सकता हूं। और इसलिए पॉपुलर असंतोष नहीं है, उल्टा कांग्रेस ने एक काम किया, उल्टा काम किया कि हमने 26,000 शिक्षकों को इंटरव्यू करके नौकरी देने के ऑर्डर दिए लेकिन उनको ज्वाइन करने न दिया जाए और उनको नौकरी के लेटर न दिया जाए, इस तरह का पत्र इलेक्शन आयोग को कांग्रेस ने लिखा है। कांग्रेस रोजगार विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार देती है, कांग्रेस रोकती है, ये लोगों के सामने आ गया।